हेलो स्टूडेंट्स सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर सिक्स नॉर्थ अमेरिका लोकेशन एंड फ़िजिकल फीचर तो बच्चों हम लोग इस चैप्टर में फ़िजिकल फीचर लोकेशन पढ़ेंगे प्लस हम अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी पढ़ेंगे कॉन्टीनेंटल ड्रिक्थ की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे सो so ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सो so स्टूडेंट्स अगर हम आज बात करें तो नाउ वी हैव सेवन कॉन्टिनेंट्स एंड फाइव ओशंस बट बिफोर देयर इज ओनली वन कॉन्टिनेंट एंड वन ओशन द नेम ऑफ दैट सुपर कॉन्टिनेंट इज पेंजिया एंड वन ओशन कॉल्ड पेंथा ठीक है तो आपके गेट सेट सेक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज दी है कि आपको ये लेटर्स को अरेंज करके नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ का नाम बनाना है तो सिक्स नीम्स आर देयर थ्री आई विल डू थ्री यू नीड टू डू ओके okay, तीन मैं करूँगी तीन आप करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट सो फर्स्ट इज क्यूबा सेकेंड इज कॉस्ट रिका मतलब ये कॉस्ट रिका है ये क्यूबा है और मैं इसको भी बता देती हूँ प ओके नाउ यू लेट मी नो दस दस एंड दिस फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ इज होमवर्क फॉर सो स्टूडेंट्स वेन वी टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर पीपल वर लाइक के ऑल द कॉन्टिनेंट्स आर लाइक दैट ओनली बहुत पुराने समय से कॉन्टिनेंट्स और ओशन ऐसे ही हैं फिक्स्ड हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता बट बेटा 1912 में अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कि नहीं जो आप सोच रहे हैं ये गलत है सारे के सारे कॉन्टिनेंट और जो ओशन है वो फिक्स नहीं है इनमें चेंजेस होते रहते हैं ठीक है तो उन्होंने प्रपोज किया कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली टू ट्वेंटी फाइव मिलियन एयरगो एक, एक वर्ल्ड में एक ही लैंडमार्स था जिसका नाम था पेंजिया और एक ही ओशन था जिसका नाम था पैंथलासा यहाँ पर पैंथलासा वाटर बॉडी मिल जाएगी आपको और ये एक पेंजिया हो गया ठीक है पैंथलासा ही प्रमिटिव पैसिफिक ओशन था ठीक है ही सजेस्टेड दैट पैंजिया ब्रोक उन्होंने बताया कि पैंजिया ब्रोक कर गया और डिस्प्लेसमेंट होने लगा सारे कॉन्टिनेंट्स में और वो डिस्प्लेस होके एक जगह से मतलब डिस्प्लेस अपनी प्लेस से डिस तो मतलब अलग अलग जाने लगे तो देखो अल्फ्रेड वैगनर ये है स्मार्ट दिख रहे हैं ना सच में स्मार्ट है सो so, 225 ट्वेंटी फाइव मिलियन को हमारा अर्थ ऐसा था येरा पेंजिया और येरा पैथलासा फिर ये पेंजिया टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ यहाँ पर बीच में ताथे सी तैथ्य सी बन गई पैंथलासा पैंथलासा और थोड़ा सा पैंथलासा का पानी बीच में आ गया सी ऊपर वाले कॉन्टिनेंट को हमने लॉरेशिया बोला नीचे वाले कॉन्टिनेंट को हमने गोंडवाना बोला ठीक है ये वन मिलियन ईयर मिलियन हुआ

इंडियन ओशन ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका अब हमारे पास फाइव ओशन हो गए हैं और बचा और क्या हो गए सेवन कॉन्टिनेंट्स एर्थ कॉन्टिनेंट भी है जिसका नाम है ज़ीलैंडिया जो ऑस्ट्रेलिया के पास में था पर अब वो पानी के अंदर समर्च कर गया है जो वेगनर की थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उनके हिसाब से एक ही पांजिया था जो टू जॉन्ट कॉन्टिनेंट्स में टूटा लोरेशिया और गोंडवाना फिर लॉरेशिया से बने नॉर्थ अमेरिका यूरोप और एशिया गोंडवाना से बने साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका अंटार्कटिका और इंडिया इन दोनों के बीच में आ गई सी फिर सिक्सटी फाइव मिलियन यो क्या हुआ बच्चा जो लोरेशिया था वो किस में टूट गया साउथ अमेरिका अफ्रीका इंडिया मेडागास्कर में और नहीं लोरेशिया टूटा नॉर्थ अमेरिका लोरेशिया से अलग होके चला गया नॉर्थ अमेरिका सॉरी सॉरी नॉर्थ अमेरिका लोरेशिया से अलग होके चला गया वहीं पर गोंडवाना से अलग क्या क्या हो गए साउथ अमेरिका अफ्रीका इंडिया मेडागास्कर कभी कभी गलत निकल जाता है बेटा तो कंफ्यूज मत हुआ करो लोरेशिया से निकला है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका निकला अफ्रीका साउथ अमेरिका अफ्रीका इंडिया मेडागास्कर निकले गोंडवाना से कुछ फेस्ट वो डिस्प्लेस हो गए है? और फिर क्या बन गया बेटा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जब डिस्प्लेस कर गए वेस्ट की तरफ तो बीच में बन गया अटलान्ट ओशन ठीक है फिर इंडिया के ईस्ट में जाने से बन गया क्या बन गया बच्चा इंडिया जब नॉर्थवर्ड मूव करा किस तरफ मूव करा इंडिया यहां से नॉर्थवर्ड मूव करा तो यहां पर बन गया इंडियन ओशन ईस्ट नहीं नॉर्थवर्ड मूव किया जो पेंथलाशा का था अब साइज कम हो गया क्यों हो गया बेटा क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी वाटर बॉडीज बन गई बेटा जो वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी इसको और ज्यादा वेटेज मिला कब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोलती है जो अर्थ का जो क्रस्ट है ये ट्वेंटी मेजर प्लेट और ट्वेंटी माइनर प्लेट से बनाऊ सॉरी ट्वेंटी सॉरी सिक्स मेजर प्लेट से और ट्वेंटी माइनर प्लेट्स पता नहीं क्यों इतनी जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो रही है बच्चा सिक्स मेजर प्लेट है और ट्वेंटी माइनर प्लेट्स हैं अर्थ के क्रस्ट में सिक्स मेजर प्लेट है और ट्वेंटी माइनर प्लेट्स है और ये प्लेट्स आपस में फ्लोट कर रही हैं क्या कर रही हैं बच्चा प्लेट्स आपस में फ्लोट करती जा रही है. कितनी सिक्स मेजर हैं ट्वेंटी माइनर है ठीक कोई बात जो सरफेस एरिया है प्लेट्स का वो बहुत ज़्यादा है पर उनकी थिकनेस कम है अब ये प्लेट क्यों मूव कर रही है बेटा जैसे आपको मैं एक आयरन का नील दे दूँ और उससे बोलूँ कि इसकी स्लरी बना दो स्लरी बना दो मतलब उसको मोल्टन uh, फॉर्म में लिया उसको पिघला दो तो आपको कितना टेम्परेचर चाहिए रहेगा जब वो पिघलेगा तो बेटा अर्थ के अंदर सारे के सारे मेटल स्लरी फॉर्म में है मोल्टन फॉर्म में है तो क्यों है क्योंकि अर्थ के अंदर हीट है तो अर्थ के अंदर जो हीट है वही इन प्लेट्स को क्या करा रही है मूव करा रही है ठीक है बेटा और जहां जहां पर क्या होती है जहां जहां पर भी प्लेट के मार्जिन होंगे जैसे ये अर्थ रही मैं फिर से बोलूंगी सिक्स मेजर और ट्वेंटी माइनर प्लेट्स है तो बेटा जहां जहां पर भी ये माइनर वो होते हैं ना मार्जिन ये मार्जिन पे ही आपको अर्थक्विक मिलेगा या ये मार्जिन पे ही आपको एक्टिविटी मिलेगी ठीक है ये मार्जिन हम इन मार्जिन की बात कर रहे हैं ये जो मार्जिन है ना बेटा ये मार्जिन पर आपको क्या मिलेगी बेटा वॉल्केनिक और अर्थक्विक एक्टिविटीज जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आए तो उसने बिल्कुल कंप्लीटली बता दिया कि कॉन्टिनेंट्स और ओशन स्टेशनरी नहीं है कभी भी ये स्टेटिक नहीं थे दे आर कंटिन्यूसली मूविंग बट द स्पीड ऑफ मूविंग इज़ वेरी स्लो जो जिस स्पीड से वो मूव करें वो इतनी कम है कि हम लोग उसको फील नहीं कर पाते ठीक है सो इट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस नॉर्थ अमेरिका इन द सेकेंड पार्ट ओके स्टूडेंट्स